हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं अगेन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बकरा ईद स्पेशल रेसिपी। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मटन कोरमा रेसिपी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए, एंड इस चैनल को शेयर कर देना। सो या अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स रहेंगे। यहाँ पर मैंने गरी पुस्ते का दाना ले लिया है, ये सब बहुत मेन है। ड्राई फ्रूट्स पड़ेंगे, और यहाँ पे पिसी हुई प्याज ले लिया है, प्याज का पेस्ट। यहाँ पर कटी हुई प्याज ले लिया है, तेज़पत्ता ले लिया है, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी, ये सारे चीज़ें ले ली हैं मैंने एक ट्रे में। और अब उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, चिरौंजी, और फिर उसके बाद मैंने लिया है गरम मसाला और मटन। तो यहाँ पे मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को एक मिक्सी में कन्वर्ट करूँगी, और उसमें जो है पानी डाल के मैं इसको ग्राइंड करूँगी। अब एक कढ़ाई में मैं तेल गरम करूँगी, उसमें ऐड करूँगी प्याज, कटे हुए प्याज, तेज़पत्ता, और जो गरम मसाले मैंने रखे थे खड़े गरम मसाले, उसको मैं डाल के अच्छे से सौटे करूँगी। सो प्लीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल को तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेना, और जो पहले से देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाना, एक लाइक से बहुत अच्छा फील होता है गाइस। सो यहाँ पर मैं इसमें मटन डालूंगी, और उसके बाद मैं इसकी अच्छे से भुंजाई करूंगी। तब तक भूंजूंगी जब तक ये मटन अपना पानी छोड़ ना दे और उसका पानी जो है वो तेल में कन्वर्ट ना हो जाए। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं कितनी अच्छी तरह से भूंज रही हूँ। अब उसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको और अच्छे से भूंजेंगे। सो अभी ये यहाँ पे भूंज रहा है, और जब तक भूंजेंगे ये देखिए यहाँ पर इसने तेल छोड़ दिया है, तो इट मींस ये कुक हो गया है। इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च, और लाल मिर्च ऐड करने के बाद उसको फिर अच्छे से पकाएंगे। जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से आप इसको भूंज दें, तो इसकी सारी बेसैनियत निकल जाएगी। अब एक कुकर में तेल गरम करेंगे, उसमें ऐड करेंगे पिसी हुई प्याज, प्याज को अच्छे से सुनहरा होने तक भूंज लेंगे। उसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, और उसको भी लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद अच्छे से भूंज लेंगे। जितना अच्छे से हो सके आप उतना अच्छे से भूंज लीजिए। उसमें ऐड करेंगे ये धनिया, धनिया पाउडर में मैंने पानी मिला के देन ऐड किया है, उससे बहुत अच्छे से उसको भी हम अच्छे से भूंज लेंगे जितना अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर इसने तेल छोड़ दिया, तो ये पक गया है। अब उसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ मेवा जो मैंने पीसा है मिक्सी में, उसको ऐड कर देंगे, और उसको ऐड करने के बाद फिर इसको अच्छे से सौटे करेंगे। सो यहाँ पर इसको अच्छे से सौटे करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे जो हमने गोश्त पका लिया है, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, और उसको फिर उसको भी अच्छे से पका लेना है जैसे मैं पका रही हूँ, अच्छे से पकाना है। और उसके बाद फिर इसमें ऐड करना है पानी, जितना आप चाहें उतना पानी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने इतना ही पानी ऐड किया है, उसमें मैं थोड़ा सा और पानी ऐड कर दूँगी क्योंकि स्टू टाइप सालन बन जाएगा। सो इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर और नमक, क्योंकि जो चीज़ कम हो आप चक कर उसमें ऐड कर दो तो वो बेटर होगा। और उसको फिर अच्छे से पकाने के बाद बस 4 सीटी लगाना है, उसके बाद आपका गोश्त जो है गल जाएगा। आप एक बार चेक कर लेना, नहीं गलेगा फिर से आप गला लेना। तो यहाँ पर सालन में ऊपर तीरा आ गया है, और हमारा सालन बहुत अच्छा पक गया है, कोरमा बहुत अच्छा कुक हुआ है। उस ऐड करेंगे कटी हुई फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, हरी धनिया और गरम मसाला, उसको ऐड करने के बाद चला देंगे, और बस हमारा ये मटन कोरमा रेडी हो गया। अब इसको हम सर्व कर लेंगे, गरम गरम आप सर्व कर लो। और यहाँ पर हमने तीरा भी ऊपर से डाल दिया है, और यहाँ पर हमारा कुक हो गया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप ज़रूर एक बार घर में ट्राई करें, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो यहाँ पर आप इसको रोटी, चावल जिसके साथ चाहें खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको सर्व किया है नान के साथ, जीरा राइस के साथ, और कुछ सैलेड ले लिए हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना। बाय।